हेलो एवरीवन, दिस इज सौरभ है एंड आई विल बी टॉक टू टॉप 10 क्लासेज। और आज की इस क्लास में हम लोग बात करेंगे अभ्यास 7.2 निर्देशांक ज्यामित का। जो अभ्यास 7.1 है वह पूर्ण रूप से समाप्त हो चुका है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है, वीडियो प्लेलिस्ट में उपलब्ध है, जाकर आप वहां से देख सकते हैं। और आज की इस क्लास में हम लोग अभ्यास 7.2 को पढ़ने से पहले हम लोग यह जान लेते हैं कि जो अभ्यास 7.2 को लगाने के लिए हमारे पास हथियार कौन कौन से होते हैं, उनके बारे में थोड़ा हम लोग चर्चा कर लेते हैं। जो हमारा सबसे पहला हथियार है कि कहता है कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी का जो है विभाजन सूत्र बताइए। वह जो उसके मध्य को विभाजित कर रहे हैं, उसके मध्य का बिंदु का निर्देश बताइए कि उसको जो विभाजित कर रहे हैं बिंदु ए बिंदु बी, उसके मध्य में एक बिंदु विभाजित कर रहा है, उस बिंदु का क्या कीजिए हमें निर्देश बताइए। तो हम लोगों को निर्देश कैसे बताना होगा, आइए हम लोग थोड़ा उस पर पहले हम लोग चर्चा कर लेते हैं, फिर इसके बाद हम लोग क्या करेंगे अभ्यास 7.2 के जो हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है उसको हम लोग क्या करेंगे, हल करेंगे। तो आइए हम लोग देख लेते हैं कि जब जो हमारा बिंदु है वह एक दूसरे के समान अनुपात में विभाजित नहीं करता है, जब बिंदु जो है एक दूसरे को समान अनुपात में विभाजित नहीं करता है तो लिखेंगे जब बिंदु ए x1, y1 और बी x2, y2 को समान अनुपात में विभाजित ना करे, समान अनुपात में विभाजित ना करे, विभाजित ना करे, तो जब समान अनुपात में विभाजित ना करे तो जैसे हम लोग आइए एक डायग्राम के द्वारा हम लोग समझ लेते हैं कि जैसे हमारा बिंदु यह ए है, यह बिंदु ए है, इसको हम लोग x1, y1 और यह बिंदु बी है x2, y2 है। अब इसको मिलाने वाली रेखा जो इसका मध्य बिंदु है, जो इसका मध्य बिंदु है और इसको हम लोग मान लिए m1 और इसको मान लिए m2, यह जब समान अनुपात में विभाजित न करे, यह है समान अनुपात में विभाजित न करें तो कह रहा है हमें इसका निर्देश बताइए। तो इसका निर्देश बताइए, हमने लिखा है जब बिंदु ए और बिंदु बी को समान अनुपात में विभाजित ना करे। समान अनुपात में विभाजित कौन नहीं करेगा, m1 और m2 जब उसे समान अनुपात में विभाजित नहीं करता है तो हमारा जो फार्मूला निकल कर आता है px, y बराबर, जो हमारा समान में विभाजित नहीं करता तो हो जाएगा कोष्टक m1 x2 plus m2 x1 / m1 plus m2 m1 y2 plus m2 y1 / m1 plus m2। जब हमारा क्या होता है कि समान अनुपात में विभाजित नहीं करता है, जब समान अनुपात में विभाजित नहीं करता है तो हमारे लिए यह हमारा सबसे महत्वपूर्ण फार्मूला हो जाता है बिंदु का निर्देश पता करने के लिए। फिर अब हम लोग बात करते हैं जब उसको समान अनुपात में विभाजित करता है, जब उसको समान अनुपात में विभाजित करता है तब हमारा फार्मूला क्या होगा, आइए अब हम लोग उसको देखते हैं। अब हम देखेंगे कि जब ए और बी किसी मध्य बिंदु को समान अनुपात में विभाजित करता है कि जो यम वन है और जो यम टू है वह दोनों आपस में क्या है, बराबर हैं,
तब हमारा फार्मूला हम लोगों को कौन सा यूज करना होगा, तो हम लोग लिखेंगे जब ए एक्स वन कामा वाई वन और बी एक्स टू कामा वाई टू को यम वन अनुपाते यम टू समान अनुपात में विभाजित करें, समान अनुपात में विभाजित मतलब होता है बांटे, विभाजित करें। आइए हम लोग उसको एक डायग्राम के द्वारा समझते हैं, तब उसको हम लोग फार्मूले का निर्माण करते हैं। जैसे हमने माना हमारा बिंदु ए है और ये बिंदु हमारा बी है, इसको हम लोग आपस में क्या करते हैं, मिला देते हैं। यह बिंदु ए यक्स वन कामा वाई वन, यह बिंदु बी यक्स टू कामा वाई टू। अब इसका करा जो मध्य बिंदु है पी यक्स कामा वाई, अब इसको जो यम वन है और जो यम टू है वह इसको एक अनुपाते एक में मतलब आपस में बराबर अनुपात में विभाजित करते हैं, तो हमारा यहां पर फार्मूला बनेगा पी यक्स कामा वाई बराबर कोष्टक में यक्स वन प्लस यक्स टू बटा टू कामा वाई वन प्लस वाई टू बटा टू। जब इसको क्या करते हैं, ये आपस में एक दूसरे को समान अनुपात में विभाजित करते हैं, तब हमारा यह फार्मूला लगेगा जो कि पी यक्स कोष्टक में वाई बराबर यक्स वन प्लस यक्स टू अपान टू वाई वन प्लस वाई टू अपान टू, जो हमारा दूसरा फार्मूला है। इन्हीं की सहायता से हम लोग क्या करेंगे, जो हमारे अभ्यास 7.2 का संपूर्ण सवाल है उनको हल करेंगे। तो आइए हम लोग चलते हैं अभ्यास 7.2 की तरफ। अभ्यास 7.2 का पहला सवाल है, आपको स्क्रीन पर यहां पर दिखाई पड़ रहा है, कह रहा है उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए, उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1.7 और 4.-3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 में क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है, 2:3 में विभाजित कर रहा है। आइए हम लोग उसको एक डायग्राम पर पहले प्रदर्शित करते हैं, फिर इसके बाद हम लोग सवाल को हल करते हैं। तो हमारा जो निर्देशांक ज्यामित का पहला सवाल है वह हम लोगों को स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा है, उसको हम लोग डायग्राम में प्रदर्शित कर लेते हैं। देखिए पहला सवाल कह रहा उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए, और हमारा बिंदु ए और बिंदु बी दिया है, जो हमारा बिंदु ए है और जो हमारा बिंदु बी है, जो बिंदु ए है वह दिया है -1.7 और बिंदु बी जो है हमारा दिया है 4.-3। अब इसको कह रहा है कि इसका मध्य बिंदु ज्ञात कीजिए, पी एक्स कामा वाई हमको क्या करना है, पता करना है, और जो हमारा यम वन दिया है और वह दिया है 2 और जो यम टू दिया है वह दिया है 3, इसको 2:3 में क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है। तो आइए हम लोग क्या करते हैं, इस सवाल को हल करते हैं। तो हम लोगों को दो बिंदुओं के बीच का यह देखो जो इसका अनुपात है वह क्या है, असमान है, इसका जो अनुपात है वह असमान है। तो जब अनुपात असमान होता है तो हम लोग फार्मूला जानते हैं, पी कोष्टक में यक्स कामा वाई बराबर होता है यम वन यक्स टू प्लस यम टू यक्स वन अपान यम वन प्लस यम टू कामा यम वन वाई टू प्लस यम टू वाई वन अपान यम वन प्लस यम टू, यही हमारा फार्मूला होता है। और हमें देखो 2 बराबर दिया है यम वन और 3 बराबर दिया है यम टू,
और यह हमारा माइनस एक है यक्स वन, और सात है हमारा वाई वन, और चार है हमारा यक्स टू, और माइनस तीन है हमारा वाई टू। अब हम लोग फार्मूला में रख देते हैं, तो फार्मूला में यम वन का मान दिया है दो गुड़े, यक्स दो का मान दिया है चार प्लस यम टू का मान दिया है तीन गुड़े यक्स वन का मान दिया है माइनस एक बटे यम वन का मान दिया है दो धन यम टू का मान दिया है तीन कामा यम वन का मान दिया है दो गुड़े वाई टू का मान दिया है माइनस तीन प्लस यम टू का मान दिया है तीन गुड़े वाई वन का मान दिया है सात बटे यम वन का मान दिया है दो धन यम टू का मान दिया है तीन। इसको हम लोग हल कर लेते हैं तो चार दूना हो जाएगा आठ माइनस तीन कम तीन बटे तीन दो पांच कामा तीन दूना हो जाएगा माइनस छह प्लस सात त्रिक हो जाएगा इक्कीस बटे तीन दो कितना हो जाएगा पांच। तो आठ में से पांच घट जाएगा बचेगा पांच बटे पांच कामा। अब इक्कीस में से हम लोग छह को घटा देते हैं, इक्कीस में से छह को हम लोग घटा देते हैं तो हमारा बचेगा पंद्रह बटे पांच। अब इसको हम लोग काट देते हैं पांच एक कम पांच और पांतियाई पंद्रह, तो हमारा जो निर्देश आ जाएगा एक कामा कितना आ जाएगा तीन, एक कामा कितना आ जाएगा तीन आ जाएगा। यही जो हमें मध्य बिंदु इसका पूछ रहा था पी एक्स वाई वह हमारा कितना आ गया एक कामा तीन आ गया। इस प्रकार जो हमारा पहला सवाल था वह पूर्ण रूप से क्या होता है समाप्त होता है कि जो पूछ रहा था कि बिंदु ए और बिंदु बी जब इसको इस अनुपात में काट रहे हैं तो इसका मध्य बिंदु कितना होगा, तो मध्य बिंदु कितना होगा एक कामा तीन होगा। इस प्रकार अब हम लोग चलते हैं दूसरे सवाल पर। दूसरा सवाल हमसे क्या कह रहा है कि बिंदुओं चार कामा माइनस एक और माइनस दो कामा माइनस तीन को जोड़ने वाले रेखाखंड को समद्विभाजित करने वाले बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। हमें सवाल आपको स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा होगा, आइए हम लोग सवाल को क्या करते हैं डायग्राम के द्वारा पहले समझते हैं। तो हम लोग फार्मूला जानते हैं पी यक्स कामा वाई बराबर यम वन यक्स टू प्लस यम टू यक्स वन अपान यम वन प्लस यम टू कामा यम वन वाई टू प्लस यम टू वाई वन बटे यम वन प्लस यम टू। यह हमारा होता है किसी मध्य बिंदु को निर्देश करने के लिए जब उसके ए और बी दिया हो और उसको कुछ असमान अनुपात में विभाजित कर रहा है। तो हम लोगों को देखो बिंदु ए का निर्देश दिया है बिंदु बी का निर्देश दिया है, यहां पर हमारा समद्विभाजित अगर बिंदु पी को हम लोगों को ज्ञात करना है तो देखो यहां पर एक है और यह एक है, एक एक मिलकर कितना हो जाएगा यह एक एक मिलकर हो जाएगा दो, यानी जो पहला बिंदु है वह एक अनुपाते कितने में दो में विभाजित कर रहा है, यानी जो यम वन का मान है वह एक है और जो यम टू का मान है वह कितना है दो है। उठाकर फार्मूला में रख देते हैं बराबर यम वन का मान एक गुड़े यक्स टू, यक्स टू का मान दिया है माइनस दो प्लस यम टू, यम टू का मान दिया है दो गुड़े यक्स टू वन, यक्स वन का मान दिया है चार बटे यम वन एक प्लस यम टू का मान दिया है दो कामा फिर यम वन एक गुड़े यम वाई टू, वाई टू का मान दिया है माइनस तीन धन यम टू का मान दिया है दो गुड़े वाई वन का मान दिया है कितना माइनस एक बटे यम वन प्लस यम टू एक प्लस दो बराबर।
दो का गुणा एक में करेंगे तो हो जाएगा माइनस दो प्लस चार दूना आठ बटे दो एक तीन कामा तीन का गुणा एक में तो माइनस तीन, फिर दो का गुणा एक में तो हो जाएगा माइनस दो बटा दो एक तीन बराबर। अब आठ में से दो को घटा देंगे तो बचेगा छह बटे तीन कामा माइनस तीन और माइनस दो हो जाएगा माइनस पांच बटे तीन। तीन से छह को काट देते हैं, तीन दूना छह यानी दो कामा माइनस पांच बटे तीन। जो इसका बिंदु P पूछ रहा था, P का निर्देश हो जाएगा यक्स कामा वाई का जो निर्देश है वह कितना आ गया, दो कामा माइनस पांच बटे तीन। अब हमको Q का निर्देश चाहिए, तो Q का निर्देश हम लोग मान लिए Q यक्स और y, इसको भी आइए हम लोग अब इसको निर्देश करने के लिए इसका हम लोग दूसरा निकाल लेते हैं। p का हम लोगों ने निकाल लिया, अब हम लोग निकालते हैं q x कामा y का निर्देश। तो हम लोगों को वही फार्मूला, अब देखो जब हम इसका निर्देश निकाल रहे हैं तो जो m1 है वह इसको कितने भागों में विभाजित कर रहा है, दो, और जो यह है Q से B के बीच की दूरी जो M2 हो जाएगी वह कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा। कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा। तो हमारा यहां से जो मिला हमें M1 का वैल्यू वह मिल गया दो और M2 का वैल्यू मिल गया हमें एक। अब हम लोग क्या करते हैं, इसमें भी यही फार्मूला को हल करके रख लेते हैं। तो हो जाएगा Q यक्स कामा वाई बराबर M1 का मान दिया है कितना, दो गुड़े, फिर हमारा दिया है X2 का मान कितना दिया है, माइनस दो, माइनस दो धन M2 एक दिया है गुड़े X1 का मान कितना दिया है चार बटे M1 का मान दिया है दो धन एक कामा, फिर M1 का मान कितना दिया है दो गुड़े, फिर Y2 का मान कितना दिया है माइनस तीन प्लस M2 का मान कितना दिया है एक गुड़े Y1 का मान कितना दिया है माइनस एक बटे X1 में हम लोगों ने इतना सब रख लिया PQXY में। अब हम लोगों को M1 और M1 का मान दिया है दो धन M2 का मान दिया है एक बराबर, दो दूना चार प्लस चार एकम चार बटे दो एक तीन कामा तीन दूना माइनस छः प्लस एक का गुणा एक में करेंगे तो माइनस एक बटा दो एक तीन। चार में से चार को घटा देंगे तो बचेगा जीरो बटे तीन कामा माइनस छह में एक को घटा देंगे तो माइनस सात बटे तीन, यानी जो हमारा आंसर आ गया जीरो कामा माइनस सात बटे तीन, यह आ गया हमारा क्यू यक्स कामा वाई। यानी जो हमारा कह रहा था सवाल कि बिंदु ए और बिंदु बी को समान तीन अनुपात में विभाजित कर रहे थे, तो हम लोगों ने देखो पहले क्या किया कि बिंदु पी मान लिया, क्यू मान लिया, इसको एक अनुपात दो अनुपात और त्रि अनुपात में समान विभाजित कर रहे थे। इस प्रकार हमारा जो दिया गया सवाल था वह हमारा बिंदु पी का निर्देश दो कामा माइनस पांच बटे तीन और क्यू का निर्देश जीरो कामा माइनस सात बटे तीन, यह हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। इस प्रकार हमारा दूसरा सवाल भी क्या होता है, सॉल्व होता है। आप क्या कीजिए, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग बात करेंगे तीसरे सवाल पर। तीसरा सवाल हमसे क्या कह रहा है, तीसरा सवाल कह रहा है आपके स्कूल में खेल कूद क्रियाकलाप आयोजित करने के लिए एक आयताकार मैदान ABCD में चूने से परस्पर 1 मीटर की दूरी पर पंक्तियां बनाई गई हैं, परस्पर 1 मीटर की दूरी पर पंक्तियां बनाई गई हैं,
एडी अनुदिश परस्पर 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे गए हैं, जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है, आपको यहाँ स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा चित्र। फिर कह रहा है निहारिका दूसरी पंक्ति में एडी के 1/4 भाग के बराबर पूरी दौड़ती है और वहां एक हरा झंडा गाड़ देती है। प्रीत 8वीं पंक्ति में एडी के 1/5 बराबर भाग में की दूरी पर दौड़ती है और वहां लाल झंडा गाड़ देती है। तो दोनों झंडों के बीच की दूरी बताइए। यदि रश्मि और को एक नीला झंडा इन दोनों झंडे के मिलाने वाले रेखाखंड को ठीक आधी बीच की दूरी में गाड़ना हो तो उसे अपना झंडा कहाँ गाड़ना चाहिए? आपको सवाल स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा और चित्र आपको यहां पर दिखाई दे रहा है। आइए हम लोग सवाल को हल करते हैं कि सवाल में सबसे पहले क्या कह रहा है कि जो एक निहारिका है कि तीसरा सवाल निहारिका द्वारा तय की गई दूरी, निहारिका द्वारा तय की गई दूरी वह कितना दूरी तय करती है? 1/4 भाग, 1/4 भाग की दूरी तय करती है। और वह जो गमले की दूरी दिया है, एक गमले की दूरी बराबर दिया है 100 मीटर। एक गमले की दूरी कितना दिया है? 100 मीटर दिया है। 1 मीटर की दूरी बराबर 100 गमले रखे गए हैं। 1 मीटर की दूरी पर कितने गमले रखे गए? 100 गमले रखे गए हैं। तो 1/4 में हम लोग क्या करते हैं, 100 का मल्टीपल कर देते हैं, तो 25 चौके कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। फिर हम लोगों को कह रहा है कि निहारिका के बाद दूसरी पंक्ति में वही प्रीत 8वीं पंक्ति में, तो प्रीत द्वारा तय की गई दूरी, प्रीत द्वारा तय की गई दूरी 1/5। वह भी क्या कर रहा है कि एक गमले के 1 मीटर में कितने गमले रखे गए हैं? 100 गमले रखे गए हैं। 100 का मल्टीपल कर देते हैं, 20 पंजे कितना हो जाता है? 100 हो जाता है। तो जो हमारा निहारिका द्वारा तय की गई दूरी 25 है और प्रीत द्वारा तय की गई दूरी कितना है? 20 है। अब इसको हम लोग क्या करते हैं कि इसको हम लोगों को यहाँ पर जो आपको ग्राफ चित्र दिखाई दे रहा है, चित्र में यहाँ पर जो है कि यह जो दूरी है और जो यह दूरी है, यह हम लोगों को इस पे जो प्रीत है आपको वह 2 पर चल रही है और जो इस पर है वह कितना है? 25 है। तो जो हमारा इसका पहला निर्देश आ जाएगा ए, वह निर्देश आ जाएगा हमारा 2.25 और जो हमारा बी है, बी का निर्देश आ जाएगा 8.20, क्योंकि 8वीं पंक्ति पर दौड़ रही है ना, तो 20 गमले रखे गए हैं, तो 8.20 कितना हो गया? 20। अब करा ए बिंदु और बी बिंदु के बीच की क्या करना है? दूरी बताना है। बिंदु ए और बिंदु बी के बीच की हमें क्या करना है? दूरी बताना है। तो हम लोग जानते हैं दूरी का जो हमारा फार्मूला होता है, दूरी का फार्मूला होता है डी बराबर अंडर रूट x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। जो हमारा अंडर रूट x2 का मान दिया है वह दिया है कितना? 8 माइनस x1 का मान दिया है 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान दिया है 20 माइनस y1 का मान दिया है 25 का होल स्क्वायर बराबर अंडर रूट 8 में से 2 को घटा देते हैं, बचेगा 6 का होल स्क्वायर प्लस 20 में से 25 को घटा देंगे तो -5 का होल स्क्वायर। अब 6 का स्क्वायर करेंगे, 6×6=36 और 5×5 कितना हो जाएगा? 25। और 6×5 हो गया 11 का 1 हासिल लगाइए, 3×2=5, 5×1 कितना गया? 6। जो यानी इनके बीच ए और बी के बीच की दूरी है वह जो हमारी निहारिका है और प्रीत है उनके बीच की जो दूरी है वह कितना है? 61 मीटर। कितना है? 61 मीटर की दूरी है। फिर कह रहा है कि जब
दूसरा सवाल इसी में कह रहा है कि जब निहारिका और प्रीत के बीच में एक कोई तीसरा आता है और उनके मध्य में एक क्या करता है, बीचों बीच एक झंडा गाड़ देता है, बीचों बीच एक क्या करता है, झंडा गाड़ देता है, तो जो हमारा ए दिया है वह दिया है 2.25, जो बी निर्देश दिया है वह दिया है 8.20। अब जो तीसरा यहां पर आकर झंडा गाड़ देती है हमें पता नहीं है इसका निर्देश क्या है, लेकिन कह रहा कि बीचों बीच गाड़ती है, जो इसका अनुपात होगा विभाजित करने का वह अनुपात हो जाएगा 1:1। जब हम लोग जानते हैं समान अनुपात में किसी को विभाजित करता है तो हमारा जो फार्मूला होता है पी यक्स कामा वाई का वह होता है x1 + x2/2, y1 + y2/2। यह हमारा होता है जब किसी को समान अनुपात में क्या कर रहा हो, विभाजित कर रहा हो। तो आइए हम लोग इसको समान अनुपात में विभाजित कर रहा है तो यक्स कामा वाई का मान निकाल लेते हैं। यक्स वन का मान दिया है 2 प्लस यक्स टू का मान दिया है 8/2 कामा वाई वन का मान दिया है 25 प्लस वाई टू का मान दिया है 20/2 बराबर 8 में 2 को जोड़ेंगे 10/2 कामा 25 में 20 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 45/2 बराबर इसको काट देंगे तो 5:5 कामा यह हो जाएगा हमारा 45/2। इसको भी हम लोग अगर चाहे तो डिवाइड कर सकते हैं तो आ जाएगा 22.5। तो जो हमारा बिंदु P का निर्देश है यक्स कामा वाई वह 5:22 अनुपात कितना है, 5 है। इस प्रकार जो हमारा तीसरा दिया गया सवाल था आपको बहुत हार्ड लग रहा था, लेकिन आपको उसको कॉन्सेप्ट बाय कॉन्सेप्ट हल करेंगे वह भी सवाल हमारा एकदम क्या है, सरल सा है। तो इस प्रकार आपने देखा इसमें दो सवाल पूछा था, पहले में पूछा था कि बिंदुओं के बीच की दूरी बताइए, बिंदु ए और बिंदु बी के बीच की दूरी हमने आराम से पता कर लिया। फिर हमें कह रहा उसको जब समान अनुपात में विभाजित कर रहा है तो उसके मध्य बिंदु का निर्देश, तो उसके मध्य बिंदु का निर्देश भी हम लोग क्या कर ले, कैलकुलेट कर ले। अब हम लोग क्या करेंगे, अगला सवाल हमारा चौथा सवाल हमसे क्या कर रहा है, आइए हम लोग उस पर बात करते हैं। तो चौथा सवाल हमें कर रहा है कि -3.10 और 6.-8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1.6 के किस अनुपात में विभाजित करेगा, किस अनुपात में विभाजित करेगा। तो प्रश्न नंबर 4 आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है और हम लोग उसको क्या करते हैं, आइए डायग्राम के द्वारा उसको पहले समझ लेते हैं फिर सवाल को हल करते हैं। तो कह रहा है कि बिंदु दिया है, जो बिंदु ए है और जो बिंदु बी है वह दिया है, ए का बिंदु दिया है हमारा 3.-3.10 और बिंदु बी का निर्देश दिया है 6.-8 और करा को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु जो इसका विभाजन बिंदु है पी वह भी हम लोगों को दिया है -1.6 और हमसे M1 का वैल्यू और M2 का वैल्यू क्या कर रहा है, पूछ रहा है। तो आइए हम लोग क्या करते हैं, यह भी एकदम सरल सा सवाल है, इसको भी हम लोग क्या करते हैं कॉन्सेप्ट बाय कॉन्सेप्ट हल करते हैं। तो देखो जब हमें बिंदु ए दिया है, बिंदु बी दिया है, बिंदु पी दिया है और हमसे M1 और M2 का वैल्यू पूछ रहा है, तो हम लोगों को बिंदु बी का जो मध्य विभाजन इसका अनुपात जो है, जो इसका अनुपात है वह समान अनुपात में विभाजित नहीं कर रहा है। तो हम लोग जो समान अनुपात होता है विभाजित नहीं कर रहा है उसका फार्मूला हम लोगों को पता है कि पी यक्स कामा वाई बराबर होता है M1 X2 + M2 X1 / M1 + M2 / M1 Y2 + M2 Y1 / M1 + M2।
अब हमारा बिंदु पी का निर्देश दिया है -1.6, इसको लिखेंगे -1.6। अब हमें यम वन और यम टू का अनुपात तो दिया नहीं, हमने इसको मान लिया, माना यम वन अनुपाते यम टू को वह के अनुपात एक में क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है। तो यम वन का मान के और यम टू का मान कितना मिल गया, एक मिल गया। आइए अब हम लोग इसको क्या करते हैं, फार्मूला में रख देते हैं। यम वन का मान के गुड़े यक्स टू, यक्स टू का मान दिया है 6 प्लस यम टू का मान दिया है 1 गुड़े यक्स वन का मान दिया है -3 बटे यम वन के प्लस वन कामा यम वन का मान दिया है के गुड़े वाई टू का मान दिया है कितना -8 प्लस यम टू का मान 1 गुड़े वाई वन का मान दिया है 10 बटे यम वन का मान दिया है के प्लस वन। अब हम लोग हल कर लेते हैं, -1.6 छह का गुणा के में हो जाएगा 6k, 1 का गुणा -3 में तो -3/k+1 कामा के का गुणा 8 में तो -8k प्लस 1 का गुणा 10 में 10/k+1 इतना हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको समान अनुपात में विभाजित कर देंगे, जो हमारा यक्स है वह यक्स के बराबर हो जाएगा और जो हमारा वाई है वह वाई के बराबर हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, अब इसके मान को हम लोग यक्स के बराबर और वाई को वाई के बराबर रखेंगे। तो देखो हमारा जो 6k -3/k+1 बराबर है वह किसके बराबर है, -1k। तो हम लोग इसको हल कर लेते हैं, अब के प्लस वन का गुणा करेंगे -1 के साथ तो हो जाएगा 6k-3/-k-1 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, यह माइनस के है इधर आएगा तो प्लस के हो जाएगा बराबर, यह -1 है यह -3 है इधर जाएगा तो +3, 6 और 1 हो गया कितना 7 के बराबर, 3 में से घटा देंगे तो हो जाएगा 2 और के साथ 7 यहां पर गुणा में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा भाग में, यानी जो के का वैल्यू आ गया वह 2:7 कितना आ गया 7 आ गया। तो इस प्रकार जो हमारा के का वैल्यू था वह 2:7 कितना आ गया 7 आ गया, जो हमें यम वन का मान मिला था। अब हम लोग क्या करेंगे, जो हमें यम वन और यम टू का वैल्यू चाहिए था m1/m2 वह हम लोगों को के का मान मिल गया 2:2/7:1, यम टू का वैल्यू 1 हम लोगों ने माना था। अब कभी भी जो हमारा अनुपात होता है वह बटे में नहीं होता है, क्या हो जाएगा 2:7 कितना 7 का 1 के साथ गुणा हो गया और यम वन और यम टू का अनुपात कितना गया 2:7। इस प्रकार जो हमारा चौथा सवाल दिया था, पूछ रहा था उनको अनुपात क्या क्या होगा, तो वह किस अनुपात में विभाजित कर रहे हैं 2:7 में विभाजित कर रहे हैं। इसी प्रकार हमारा चौथा भी सवाल क्या होता है, कंप्लीट होता है। और पांचवी सवाल को हम लोग अगली क्लास में लेकर मिलेंगे। आई होप आपको सारा जो पढ़ाया गया है वह समझ में आया होगा, और अगर आपको कोई डाउट होता है तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में आप अपना कमेंट कीजिए, फिर हम आपको उस सवाल का जवाब लेकर मिलते हैं अगली क्लास में। तो अब हम लोग अगली सवाल को मिलेंगे अगली क्लास में लेकर। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय भारत।